दोस्तों, अगर आपसे किसी क्रिएचर के बारे में पूछा जाए तो आपके मन में उसकी पिक्चर और उसके नाम याद आ जाएंगे, जिसे आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। लेकिन आपसे ये पूछा जाए, क्या आपने ऐसे एनिमल को देखा है जो इनविजिबल होता है, तो ये सुनकर आपको जोर का झटका जरूर लगेगा। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला ऐसा भी कोई एनिमल होता है क्या। तो हम आज के इस वीडियो में आपको 5 ऐसे ही एनिमल के बारे में बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ऐसे एनिमल आखिर कहाँ पाए जाते हैं और अपना सर्वाइवल कैसे करते हैं। तो हमारी इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आज हम आपको ऐसे दुनिया में लेकर चलेंगे जहां कई सारे ऐसे एनिमल पाए जाते हैं जो होते तो है लेकिन दिखाई नहीं देते। नंबर फर्स्ट, लीफ इंसेक्ट। दोस्तों, जरा गौर से देखिए इन क्लिप को। इसे देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि भला ये कैसे संभव है, भला कोई पत्ता भी कभी डांस कर सकता है क्या। तो हम आपको बता दें कि ना ही कोई ये पत्ता है और ना ही यह डांस कर रहा है, बल्कि ये पत्ते जैसा दिखने वाला एक क्रिएचर है जिसे हम लीफ इंसेक्ट के नाम से जानते हैं। असल में ये क्रिएचर जंगल में रहने वाले कई एनिमल्स और बर्ड्स का पसंदीदा भोजन होता है, इसलिए लीफ इंसेक्ट को अपनी जान बचाने के लिए इस तरह का पैतरा अपनाना पड़ता है। अपनी जान पर जरा भी खतरा महसूस होने पर ये क्रिएचर बिल्कुल सतर्क हो जाता है, जिससे कोई इन्हें देख ना पाए। अब बात करें इनके खाने पीने की, तो पेड़ों पर उगने वाले फलों को ये खा करके ही अपना गुजारा करते हैं। और बात करें इनके बसेरे की, तो ये अपना बसेरा पेड़ को ही बना लेते हैं। नंबर सेकंड, स्टोन स्क्रीच आउल। अब जरा इस क्लिप को भी देख लीजिए। इसे देखकर आप जरूर चौंक गए होंगे कि भला ऐसा आंखों वाला भी कोई पेड़ होता है कि? तो जरा एक मिनट ठहरी। तो ये कोई आंखों वाला पेड़ नहीं, बल्कि इस पेड़ पर बैठा एक आउल है जिनका नाम स्टोन स्क्रीच आउल है। और इसका खासियत ये है कि जब ये किसी सूखे पेड़ पर बैठता है तो खुद को पेड़ में इस कदर छुपा लेता है जो दूर से सिर्फ इसकी आंखें ही नजर आती है। और अगर कहीं इसने अपनी आंखें बंद कर ली तो पूरी तरह से पेड़ में ही विलुप्त हो जाता है। और इस हालत में किसी को यह बता पाना मुश्किल हो जाता है कि ये सिर्फ पेड़ है या पेड़ पर बैठा कोई आउल है। अब बात करें इसे रहने की, तो सूखा हुआ पेड़ इसका पसंदीदा बसेरा होता है, क्योंकि सूखे पेड़ में ये खुद को बहुत ही आसानी से छुपा लेता है। नंबर थर्ड, द बफ टाइप मॉथ। अब आप इस क्लिप को देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, तो ऐसा सोचकर आप बिल्कुल गलती करने जा रहे हैं, क्योंकि ये कोई मामूली लकड़ी का टुकड़ा नहीं, बल्कि ये द बफ की नामक एक क्रिएचर है और ये दुनिया के सबसे इनविजिबल क्रिएचर में से एक है। यही कारण है कि इन पर किसी इंसान की जल्दी नजर ही नहीं पड़ती। द बफ की मॉथ ज्यादातर जंगलों और गार्डन में ही पाए जाते हैं और ये जून जुलाई के महीनों में ज्यादातर दिखाई देते हैं। और बात करें इन्हें रहने की, तो द बफ की मॉथ ज्यादातर पेड़ों के अंदर ही रहना अपना पसंद करते हैं। नंबर फोर, पेग्मी एसोसस। दोस्तों, आमतौर पर समुद्र में जितने भी छोटे क्रिएचर होते हैं उनका सर्वाइवल काफी मुश्किल होता है। इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि समुद्र में कोई भी बड़ा एनिमल इनका शिकार बहुत ही आसानी से बना सकता है। यह भी एक बहुत ही छोटा क्रिएचर है जिसका आकार करीब 2 सेंटीमीटर तक होता है, लेकिन इसकी सबसे खासियत बात यह होती है कि यह अपने हिसाब से अपना कलर को बदल लेती है। यह अवशेष इसे नेचुरल से ही प्राप्त होता है, जिसे इंसान तो दूर इसे कोई जानवर भी जल्दी देख नहीं पाता। यह जापान, इंडोनेशिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर पाया जाता है। नंबर फाइव, लेप्टोसेफलस। शीशे के आकार का दिखने वाला ये क्रिएचर लेप्टोसेफलस नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा समुद्री क्रिएचर है जो खुद को छुपाने में सबसे अधिक माहिर होता है। जब ये अंडों से बाहर निकलते हैं तो इसका शरीर पूर्ण तरीके से ट्रांसप्लांट हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरे समुद्री एनिमल्स इसे आसानी से देख नहीं पाता है। और ऐसी हालत में ये दूसरे समुद्री एनिमल्स के खतरे से खुद को आसानी से अपनी जान बचा लेता है। लेप्टोसेफलस अंडों से निकलने के बाद 3 महीनों तक ऐसे ही इनविजुअल रूप में रहते हैं, और जब इन्हें यह एहसास हो जाता है कि यह अपनी हिफाजती खुद कर सकते हैं, अपने असली रूप में आ जाते हैं। अपनी बॉडी को अपने हिसाब से बदलने का यह हुनर इसे नेचुरल रूप से ही मिला हुआ है, जिसका बखूबी इस्तेमाल कर ये क्रिएचर अपनी आकार को काफी आसानी से बदल लेता है और इससे ये काफी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका सामना भी कभी ऐसे ही इनविजिबल एनिमल के साथ हुआ हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते। अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, ताकि हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो ला सके। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे।